PFI को बैन करने के बाद उठ रहे हैं सवाल। लालू ने कहा पहले RSS पर बैन लगे। पप्पू यादव ने कहा कि PFI बैन लगाना ये धर्म विशेष पर हमला है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने पूछा RSS के लिए पैसे कहां से आता है ये भी बताया सरकार। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में PFI पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। PFI समेत उससे जुड़े संगठनों को बैन किए जाने के बाद से आम लोगों से लेकर राजनीतिक से जुड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर RSS पर पाबंदी कब लगेगी, उनके पास पैसे कहां से आता है, इसकी जांच कब होगी। नीतीश कुमार के पूर्व MLC गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार से पूछा RSS किस तरह की संस्था है, यह सब लोग जानते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि RSS का रजिस्ट्रेशन कहाँ से है और RSS जो चलती है वो पैसा कहाँ से आता है, क्या आज़ादी के आंदोलन में RSS के लोगों का कोई योगदान है, किस आधार पर RSS पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है और PFI पर खुलेआम बिना कारण बताए प्रतिबंध लग जाता है। सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगाया था और जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल थे उसमें RSS कहीं नहीं था। RSS हमेशा अंग्रेजों की सहायता करता था, जबकि अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान का टैंक नष्ट किया था वो हमारे समाज से थे, ये भी BJP को याद रखना होगा। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि इस तरह का बैन खतरनाक है, ये हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपने मन की बात करना चाहता है। अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं है कि संगठन को ही बैन कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के दोस्तियों से जुड़े संगठन बैन नहीं हुए, ऐसा क्यों। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, इसी के साथ RSS पर बैन भी लगना चाहिए, ये लोग मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहे हैं और हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि RSS अपनी बात करे तो राष्ट्रवाद और कोई और विचारधारा अपनी बात करे तो आतंकवाद है। मालूम हो कि हाल के दिनों में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने PFI के संगठनों पर छापेमारी कर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने PFI को 5 साल के लिए बैन तो कर दिया है, लेकिन साथ ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि RSS पर कार्रवाई कब होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं।